जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्टोरी अनबॉक्सिंग पर स्वागत है। आइए बिना वक्त गवाए प्रभु श्री राम की पावन कथा आगे बढ़ाते हैं। इधर जब सीता ने अपने पति के स्वर में हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण सुना तो उन्होंने व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, प्रतीत होता है कि तुम्हारे भैया अवश्य ही किसी संकट में पड़ गए हैं। तुम शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो। उनके दुख भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय चिंता से बहुत घबरा रहा है। आशंका से आतुर सीता के वचन सुनकर लक्ष्मण बोले, हे आर्य, इस प्रकार मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। भैया ने आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा है। आप धैर्य धारण करें, भैया अभी आते ही होंगे। दुखी होकर सीता बोली, लक्ष्मण ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भाई के रूप में उनके शत्रु हो, इसीलिए उनके ऐसे आर्थ स्वर सुनकर भी उनकी सहायता के लिए नहीं जाना चाहते। जब उनको ही कुछ हो गया तो मेरी रक्षा से क्या लाभ। इस प्रकार कहते हुए उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। सीता की यह दशा देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले, देवी आप व्यर्थ दुखी न हो। संसार में ऐसा कोई भी देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व नहीं है जो भैया के पराक्रम का सामना कर सके। मायावी राक्षस नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं और विविध प्रकार की बोलियां बोलते हैं, अतः आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तनिक प्रतीक्षा करें, वे आते ही होंगे। लक्ष्मण के तर्कयुक्त वचनों ने सीता के क्रोध को और बढ़ा दिया। वे बोली, लक्ष्मण मैं तुम्हारे मनोभावों को भली भांति समझ रही हूँ। तुम राम के न रहने पर मुझे पा लेने की लालसा लेकर ही वन में चले आए हो। मैं तुम्हारी दुष्ट इच्छा को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। राम के वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सीता के ये वचन सुनकर लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो उठा। वे बोले, देवी मैं आपकी बातों का कोई उत्तर नहीं दे सकता। स्त्रियों के द्वारा ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव प्रायः देखा जाता है। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो अपने अग्रज की आज्ञा पालन करने वाले अनुज पर ऐसा दुष्टतापूर्ण लांछन लगा रही हैं। मुझे संशय हो रहा है कि आज आप पर अवश्य कोई संकट आने वाला है। वन के समस्त देवता आपकी रक्षा करें। वन के देवता इसके साक्षी हैं कि मैं आपके द्वारा बलात् भेजा जा रहा हूँ। लक्ष्मण के वचन सुनकर सीता के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे और लक्ष्मण उस ओर चल दिए जिधर राम गए थे। लक्ष्मण के जाने के पश्चात रावण को अवसर मिल गया। वह ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण कर रावण सीता के पास आया और बोला, हे सुंदरी, तुम कोई वन देवी हो या लक्ष्मी अथवा कामदेव की प्रिया स्वयं रति हो? इस पृथ्वी पर तो तुम्हारे जैसी रूपवती लावण्यमयी युवती को मैंने आज तक इस संसार में नहीं देखा है। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस वन में किस लिए निवास कर रही हो? कहाँ यह तुम्हारा तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, तुम्हारी सुकुमारता और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास? यह स्थान तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों का निवास स्थान है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। सीता ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा नाम सीता है। मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री और अयोध्यापति दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र की पत्नी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे पति अपने भाई भरत को अयोध्या का राज्य देकर 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे हैं। उन पराक्रमी सत्यपरायण वीर के साथ मेरे तेजस्वी देवर लक्ष्मण भी हैं। आप अतिथि हैं, अतः इस आसन पर बैठकर यह जल और फल ग्रहण कीजिए। मेरे पति अभी आते ही होंगे। अब आप बताइए महात्मन, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? सीता का प्रश्न सुनकर रावण गरज कर बोला, हे सीते, मैं तीनों लोकों 14 भुवनों का विजेता महाप्रतापी लंकापति रावण हूँ, जिसके नाम से देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मुनि सभी भयभीत रहते हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर जैसे देवता जिसकी सेवा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। मैं तुम्हारे लावण्यमय सौंदर्य को देखकर अपनी सुंदर रानियों को भी भूल गया हूँ और मैं तुम्हें ले जाकर अपनी भार्या बनाना चाहता हूँ। हे मृगलोचने, तुम मेरे साथ चलकर नाना देशों से आई हुई मेरी अत्यंत सुंदर रानियों पर पटरानी बनकर शासन करो। मेरी नगरी लंका की सुंदरता को देखकर
तुम इस वन के कष्टों को भूल जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। रावण का नीचतापूर्ण प्रस्ताव सुनकर सीता क्रुद्ध स्वर में बोली, हे अधम राक्षस, तुम परम तेजस्वी, अद्भुत पराक्रमी और महान योद्धा रामचंद्र के पराक्रम को नहीं जानते, इसीलिए तुम मेरे सम्मुख यह कुत्सित प्रस्ताव रखने का दुसाहस कर रहे हो। अरे मूर्ख, क्या तू वनराज सिंह के मुख में से उसके दांत उखाड़ना चाहता है? तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसीलिए तू यह घृणित प्रस्ताव लेकर यहाँ आया है। तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ लेकर आई है। सीता के ये अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण के अत्यंत कुपति हो गया। आंखें लाल करते हुए उसने कहा, सीते, तू मेरे बल और प्रताप को नहीं जानती। मैं आकाश में खड़ा होकर पृथ्वी को गेंद की भांति उठा सकता हूँ, अथाह समुद्र को एक चुल्लू में भरकर पी सकता हूँ। मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। यह कहकर रावण ने अपने ब्राह्मण वेश को त्याग कर विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों हाथों से सीता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा निकटवर्ती खड़े विमान पर जा सवार हुआ। इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से पकड़े जाने पर सीता ने हा राम हा राम कहते हुए स्वयं को रावण के हाथों से छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु बलवान रावण के सामने उनकी एक न चली। उसने उन्हें बांध कर विमान में एक ओर डाल दिया और तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़ा। सीता निरंतर विलाप किए जा रही थी, हा राम, पापी रावण मुझे लिए जा रहा है। हे लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? तुम्हारी बलवान भुजाएं इस समय इस दुष्ट से मेरी रक्षा क्यों नहीं करती? हाय, आज कैकेयी की मनोकामना पूरी हुई। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता ने मार्ग में खड़े जटायु को देखा। जटायु को देखते ही सीता चिल्लाई, हे आर्य जटायु, देखो लंका का यह दुष्ट राजा रावण मेरा अपहरण करके लिए जा रहा है। इस नराधम से आप मेरी रक्षा करने में आप असमर्थ हैं, क्योंकि यह बलवान है और अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। आप रावण द्वारा मेरे हर लिए जाने का यह वृतांत मेरे पति से तो अवश्य ही कह देना। सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु ने उस ओर देखा तथा रावण को सीता सहित विमान में जाते देख बोले, अरे रावण, तू एक परस्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है। अरे लंकेश, यह महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की भार्या है, एक राजा होकर तू ऐसा निंदनीय कर्म कैसे कर रहा है? राजा का धर्म तो परस्त्री की रक्षा करना है, तू काम के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा है। छोड़ दे राम की पत्नी को। हे रावण, मेरे समक्ष तू सीता को नहीं ले जा सकता। प्राण रहते तक मैं सीता की रक्षा करूंगा। ठहर, मैं अभी आता हूँ तुझसे युद्ध करने। जटायु के इन कठोर अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण उसकी ओर झपटा, जो सीता को मुक्त कराने के लिए विमान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विशालाकार दो पर्वतों की भांति वे एक दूसरे से टकराए। क्रुद्ध जटायु ने अपने पराक्रम से दो बार रावण के धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ को तहस नहस कर डाला और रावण के सारथी का वध कर डाला। उन्होंने मार मार कर रावण को घायल कर दिया। घायल होने के बाद भी रावण वृद्ध और दुर्बल जटायु से अधिक शक्तिशाली था। अवसर पाकर उसने जटायु की दोनों भुजाएं काट दीं। पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु को भूमि पर गिरते देख जानकी हा राम हा लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगी। रावण ने सीता को उसके केश पकड़कर उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ने लगा। उस समय उन्नत भाल वाली, सुंदर कृष्ण केशों वाली, गौरवर्णा मृगनयनी जानकी का सुंदर मुख रावण की गोद में पड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा नीले बादलों को चीर कर चमक रहा हो। सीता का क्रंदन सुनकर वन के सिंह, बाघ, मृग आदि रावण से कुपित होकर उसके विमान के नीचे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पर्वतों से गिरते हुए जलप्रपात ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे भी सीता के दुख से दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए अश्रु बहा रहे हों। श्वेत बादल से आच्छादित सूर्य भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपनी कुल वधु की दुर्दशा देखकर उसका मुख श्रीहीन हो गया हो। सब सीता के दुख से दुखी हो रहे थे। दुष्ट रावण से मुक्ति का कोई उपाय न देखकर सीता दीनता पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे सर्वशक्तिमान, इस समय मेरी रक्षा करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे दयामय, मेरे सतीत्व की रक्षा करने वाले केवल तुम ही हो। मार्ग में सीता ने नीचे एक पर्वत पर पांच वानरों को बैठे देखा। उनको देखकर सीता ने यह सोचकर कि शायद ये राम को मेरा समाचार बता सकें, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर में वस्त्र आभूषण बांधकर उसे उन वानरों के बीच गिरा दिया।
तीव्र गति से उड़ने में व्यस्त रावण को सीता के इस कार्य का बोध नहीं हो पाया। वनों, पर्वतों और सागर को पार करता हुआ रावण सीता सहित लंकापुरी में पहुंचा। वहां उसने सीता को मय दानव द्वारा निर्मित सुंदर महल में रखा और क्रूर राक्षसियों को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस स्त्री से मिलने न पावे। ये जो भी वस्त्र, आभूषण, खाद्य पदार्थ मांगे वह तत्काल इसे दिया जाए। इसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और न कोई इसका तिरस्कार करे। अवज्ञा करने वालों को दंड मिलेगा। इस प्रकार राक्षसनियों को आदेश देकर अपने महल में पहुंचा। वहां उसने अपने 8 शूरवीर सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी, तुम लोग जाकर दंडक वन में रहो। हमारे जनस्थान को राम लक्ष्मण नामक 2 तपस्वियों ने उजाड़ दिया है। तुम वहां रहकर उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखो और उनकी सूचना मुझे यथाशीघ्र देते रहो। अवसर पाकर उन दोनों की हत्या कर डालो। मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ, इसीलिए उन्हें मारने का दायित्व तुम्हें सौंप रहा हूँ। उन्हें इस प्रकार आदेश देकर वह कामी राक्षस वासना से पीड़ित होकर सीता से मिलने के लिए चल पड़ा। दुख से कातर और राम के वियोग में अश्रु बहाती हुई सीता के पास जाकर रावण बोला, शोभने, अब उस राज्य से च्युत दीन तपस्वी राम के लिए अश्रु बहाना व्यर्थ है। राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। तू उसे विस्मृत कर दे। विशाल लोचने, तू मुझे पति के रूप में अंगीकार ले। समुद्र से घिरे 100 योजन विस्तार वाले अपने इस राज्य को मैं तुझे अर्पित कर दूंगा। मैं, जो तीनों लोकों का स्वामी हूँ, तेरे चरणों का दास बनकर रहूंगा। मेरी समस्त सुंदर रानियां तेरी दासी बनकर रहेंगी। समस्त देव, दानव, नर, किन्नर जो मेरे दास हैं, तेरे दास बनकर रहेंगे। तेरे पहले के दुष्कर्म तुझे वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो चुके हैं और अब तेरा पुण्य कर्म ही शेष रह गया है। अब मेरे साथ यहाँ रहकर समस्त प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन कर। सुमुखी, तेरा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर मुख शोक से पीड़ित होकर शोभाहीन हो गया है। मुझे स्वीकार करके उसे पुनः शोभायमान कर। धर्म और लोकलाज का भय निर्मूल है, ये सब मात्र तेरे मिथ्या विचार हैं। किसी सुंदरी का युद्ध में हरण करके उसके साथ विवाह करना भी तो वैदिक रीति का ही एक अंग है। इसलिए तू निशंक होकर मेरी बन जा। मैं तेरे इन कोमल चरणों पर अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ। मुझ पर शीघ्र कृपा कर। रावण के इन वचनों को सुनकर शोक से कष्ट पाती हुई वैदेही अपने और रावण के बीच में तिनके का ओट करके बोली, हे नराधम, परम पराक्रमी, धर्म परायण एवं सत्य प्रतिज्ञा दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ही मेरे पति हैं। मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य की ओर दृष्टि तक भी नहीं कर सकती। यदि तूने मुझे बलपूर्वक मेरा अपहरण किया होता तो अपने भाई खर की तरह जनस्थान के युद्ध स्थल पर ही मारा गया होता, किंतु तू कायरों की तरह मुझे चुरा लाया है। तेरे इस अनर्गल प्रलाप से ऐसा प्रतीत होता है कि अब लंका सहित तेरे विनाश का समय आ गया है। तू इस भ्रम में मत रह कि यदि देवता और राक्षस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो राम भी तुझे नहीं मार सकेंगे। उनके हाथों से ही तेरी मृत्यु निश्चित है। अब तेरा जीवन काल समाप्त प्राय हो चुका है। तेरे तेज, बल और बुद्धि तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है उसका विनाश काल दूर नहीं होता। अरे राक्षसाधम, तू महापापी है इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तूने कभी सोचा भी है कि कमलों में विहार करने वाली हंसिनी क्या कभी कुक्कुट के साथ रह सकती है? तू मेरे इस संझा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल, पर मैं कलंक देने वाला कोई भी निंदनीय कार्य नहीं कर सकती। सीता के कठोर एवं अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण कुपित होकर बोला, हे मनोहर, हास्य वाली भामिनी, मैं तुझे 12 माह का समय देता हूँ। यदि 1 वर्ष के अंदर तू स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वह राक्षसनियों से बोला, तुम इसे यहां से अशोक वाटिका में ले जाकर रखो और जितना भय और कष्ट दे सकती हो दो। लंकापति रावण की आज्ञा पाकर राक्षसनियां सीता को अशोक वाटिका में ले गईं। अशोक वाटिका एक रमणीय स्थल था, किंतु पतिवियोग और निशाचरी दुर्व्यवहार के कारण सीता वहां अत्यंत दुखी थीं। सीता का अशोक वाटिका में प्रवेश जानकर पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्र के पास आए और बोले,
सदा सुख में पली हुई पतिव्रता महाभागा सीतापति के चरणों के दर्शन से वंचित होने के कारण दुख और चिंताओं से संतप्त हो गई हैं और प्राणयात्रा भोजन नहीं कर रही हैं। ऐसी दशा में निःसंदेह वे अपना प्राण त्याग कर देंगी, अतः तुम शीघ्र लंकापुरी में प्रवेश करके उन्हें उत्तम भविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार इंद्र तत्काल लंकापुरी पहुंचे। उन्होंने निद्रा देवी की सहायता से समस्त राक्षसों को मोहित कर दिया। फिर वे सीता के पास जाकर बोले, हे देवी, आप शोक न करें, मैं शचीपति इंद्र राम की सहायता करूंगा। मेरे प्रसाद से वे विशाल सेना लेकर समुद्र पार करके यहाँ आएंगे, अतः तुम इस हविष्य को स्वीकार करो। इसे खा लेने पर तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास संतप्त नहीं कर पाएंगे। शंकित सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप देवराज इंद्र ही हैं? इस पर देवराज इंद्र ने समस्त देवोचित लक्षणों का प्रदर्शन करके सीता की शंका का निवारण कर दिया। विश्वास हो जाने पर सीता बोली, यह मेरा सौभाग्य है कि आज आपके मुख से मुझे अपने पति का नाम सुनने को मिला। आप मेरे लिए मेरे श्वसुर दशरथ और पिता जनक के तुल्य हैं। मैं आपके हाथों से इस पायस रूप हविष्य दूध से बनी हुई खीर को स्वीकार करती हूँ। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इस प्रकार से इंद्र द्वारा प्रदत्त हविष्य को खाकर जानकी भूख प्यास के कष्ट से मुक्त हो गई और देवराज इंद्र राक्षसों को मोहित करने वाली निद्रा के साथ देवलोक को चले गए। मारीच का वध करके राम आश्रम की ओर लौट रहे थे तो पीछे से एक मादा सियार ने बड़े कठोर स्वर में चीत्कार किया। वन के मृग एवं पक्षी उनके बाई ओर चलने और उड़ने लगे। इन अपशकुनों को देखकर राम का हृदय आशंकित हो उठा। उन्हें सीता के अशुभ की चिंता संतप्त करने लगी। इतने में ही उन्होंने मार्ग में लक्ष्मण को आते देखा। लक्ष्मण को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी राक्षसी षड्यंत्र के फल स्वरूप सीता किसी कठिनाई में फंस गई है। चिंतित होकर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, सीता कहाँ है? मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम सीता की रक्षा करना, तो तुम उसे अकेली कैसे छोड़ आए? वह किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गई? वह जीवित होगी कि नहीं? शीघ्र बताओ उसे क्या हुआ है। यदि वह जीवित नहीं होगी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस मायावी राक्षस ने हाँ लक्ष्मण कहकर तुम्हें भी भ्रम में डाल दिया है और तुम सीता को अकेली छोड़कर यहाँ दौड़ आए हो? अथवा सीता ने ही भ्रमित होकर तुम्हें यहाँ आने को विवश किया हो? ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसों ने अपने प्रतिशोध लेने के लिए यह चाल चली है और तुम इसमें फंस गए हो। खर और दूषण की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने सीता का वध कर डाला होगा। राम के इन वचनों से व्यथित लक्ष्मण बोले, भैया, मैं उन्हें स्वयं अपनी इच्छा से छोड़कर नहीं आया हूँ। मैंने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, किंतु वे चेतना मोह से ग्रसित होकर मुझसे कहने लगीं कि तुम्हारे मन में पाप पूर्ण भाव भरा हुआ है। तुम अपने भाई के दुश्मन हो और उनकी मृत्यु के पश्चात मुझे प्राप्त करना चाहते हो। उनके इस प्रकार से कहने पर मैं रोष से भर उठा और आश्रम से निकल आया। इस प्रकार से उन्होंने ही कठोर वचन कह कहकर मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर राम ने कहा, सौम्य, तुम सीता को छोड़कर चले आए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सीता तो क्रोध में विक्षिप्त हो रही थी और क्रोध में भरी हुई नारी के मुख से कठोर वचन निकलना आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु तुम तो समझदार हो। मेरे आदेश की अवहेलना कर तुम्हारा इस प्रकार से चले आना अनुचित है। चिंतित राम और लक्ष्मण जब अपने आश्रम पहुंचे तो उन्हें सीता कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने समस्त पर्णशालाओं को देख डाला, किंतु वे सभी सूनी मिली। जैसे हेमंत ऋतु के हिम से ध्वस्त होकर कमलिनी श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार से पर्णशालाएं शोभा शून्य थीं। आश्रम के वृक्ष और पत्ते भी वायु में सनसनाकर दुख से रो रहे प्रतीत होते थे। मृगछाला और कुश इधर उधर बिखरे पड़े थे, आसन औंधे पड़े थे। वृक्षों के फूल पत्ते तथा कहीं कहीं टहनियां टूटी या अधटूटी पड़ी थीं। आश्रम का अस्त व्यस्त दृश्य देखकर राम विचार करने लगे, सीता का किसी ने हरण कर लिया अथवा किसी दुष्ट राक्षस ने उसे अपना आहार बना लिया। कहीं वह फूल चुनने तो नहीं गई या जल लाने नदी पर तो नहीं चली गई? जब सब ओर खोजने पर भी उन्हें सीता कहीं दिखाई न दी तो शोक के कारण उनकी आंखें लाल हो गईं। नदी नालों पर्वत कंदराओं में जा जाकर वे उन्मत्त की भांति आवाज दे देकर सीता की खोज करने लगे। अंत में उनकी उन्मत्तता इतनी बढ़ गई कि वे कभी कदम्ब के वृक्ष के पास जाकर कहते, हे कदम्ब,
मेरी सीता को तेरे पुष्पों से बहुत स्नेह था, तू ही बता वह कहाँ है। कभी विल्व के पास जाकर उससे पूछते, हे विल्व विटप, क्या तुमने पीत वस्त्र धारिणी सीता को कहीं देखा है। इस प्रकार वे कभी किसी वृक्ष से, कभी किसी लता से और कभी पुष्प समूहों से सीता का पता पूछते। कभी अशोक वृक्ष के पास जाकर कहते, अरे अशोक बिटप, तेरा तो नाम ही अशोक है, फिर तू सीता से मेरी भेंट कराकर मेरे शोक का हरण क्यों नहीं करता। फिर ताड़ के वृक्ष से कहते, तू तो सब वृक्षों से ऊंचा है, तू दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है, देखकर बता क्या तुझे सीता कहीं दिखाई दे रही है। चुपचाप खड़ा न रह, यदि तू देखना चाहेगा तो तुझे वह अवश्य दिखाई देगी। इस प्रकार नाना प्रकार के वृक्षों से पूछ पूछ कर रामचंद्र विलाप करने लगे, हे प्राण वल्लभे जानकी, तू कहाँ छिप गई। यदि तू वृक्षों की ओट में छिपकर हंसी कर रही है तो मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तू प्रकट हो जा। देख मैं तेरे बिना कितना व्याकुल हो रहा हूँ, अब बहुत हंसी हो चुकी, मैं हार मानता हूँ, मैं तुझे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, या तू सचमुच मुझसे रूठ गई है। हाँ सीते बोल, जल्दी बोल, तू कहाँ है। इधर देख, तेरे साथ खेलने वाले मृग शावक भी तेरे वियोग में अश्रु बहा रहे हैं। सीते तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं चाहता हूँ अभी तेरे वियोग में अपने प्राण त्याग दूँ, किंतु पिता की आज्ञा से विवश हूँ। मुझे स्वर्ग में पाकर वे धिक्करेंगे और कहेंगे, तू मेरी आज्ञा की अवहेलना करके 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूरी किए बिना ही स्वर्ग में कैसे चला आया। हाँ मैं कितना अभागा हूँ जो तुम्हारे विरह में मर भी नहीं सकता। हाय जानकी, तुम ही बताओ तुम्हारे बिना मैं क्या करूँ। बड़े भाई को विलाप करते देख लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे नरोत्तम, रोने और धैर्य खोने से कोई लाभ नहीं होगा। आइए आश्रम से बाहर चलकर वनों और गिरिकंदराओं में भाभी की खोज करें। उन्हें वनों तथा पर्वतों में भ्रमण करने का चाव था, संभव है वहीं कहीं भ्रमण कर रही हों। यह भी संभव है कि गोदावरी के तट पर बैठी मछलियों की झलक क्रीड़ा देख रही हों, या किसी भय की आशंका से भयभीत होकर किसी लता कुंज में बैठी हों। इसलिए हमारे लिए यही उचित है कि हम विषाद और चिंता को छोड़कर उनकी खोज करें। लक्ष्मण के युक्त युक्त वचन सुनकर राम उसके साथ वनों, लताओं, गिरिकंदराओं आदि में खोज करने के लिए चले। उन दोनों ने समस्त वन, पर्वत, कंदरा आदि में खोज डाला, किंतु सीता उन्हें कहीं नहीं मिली। अंत में राम निराश होकर बोले, सौमित्र, यहाँ तो कोई ऐसा स्थान शेष नहीं बचा जहाँ हमने जानकी की खोज न की हो, परंतु हमें सर्वत्र निराशा ही हाथ लगी। अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सीता मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं वनवास की अवधि बिताकर जब अयोध्या लौटूंगा और माता कौसल्या पूछेंगी कि सीता कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, मिथिलापति जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा। वे जोर जोर से विलाप करने लगे, हे सीते, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, हे वनों के मृगों, क्या तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है, हे वनों की कोकिलों, क्या तुमने कहीं कोकिला कंठी जानकी को देखा है, कोई तो कुछ बताओ, क्या सभी मेरे लिए निर्मोही हो गए हो, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बताता, कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता, मैं कायर हूँ जो अपनी भार्या की रक्षा न कर सका। थोड़ी देर मौन रहने के पश्चात वे फिर लक्ष्मण से बोले, हे सौमित्र, अब सीता के बिना मैं किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं रहा, मैं अवधि पूर्ण होने पर भी अयोध्या नहीं जाऊंगा, तुम अब अयोध्या लौट जाओ, भरत से कह देना अब तुम ही अयोध्या का राज्य संभालो, मैं कभी नहीं लौटूंगा। माता कौसल्या से कहना कि किस प्रकार सीता का अपहरण हो गया और उसकी विरह व्यथा को न सह सकने के कारण राम ने आत्महत्या कर ली। अब तुम्हारे जाते ही मैं गोदावरी नदी में डूब कर अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ, इसीलिए तो मुझे एक के पश्चात एक अनेक दुख मिलते चले जा रहे हैं। पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ और अब सीता भी मुझे छोड़कर जाने कहाँ चली गई। घर बार और संबंधी तो पहले ही छूट गए थे। मुझे रह रहकर यह ध्यान आता है कि सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है, वह भी रो रो कर अपने प्राण विसर्जित कर रही होगी। तुम कहते हो कि वन में या गोदावरी के तट पर गई होगी, ये सब मुझे बहलाने की बातें हैं। जो वनवास की इतनी लंबी अवधि में एक बार भी आश्रम से अकेली बाहर नहीं निकली, वह आज ही कैसे जा सकती है। अवश्य ही राक्षसों ने उसका अपहरण कर लिया है अथवा उसे अपना आहार बना लिया है। इन वृक्षों, पशुओं आदि से इतना सामीप्य होते हुए भी कोई मुझे सीता का पता नहीं बताता। हाँ सीते, हाँ प्राण वल्लभे, तू ही बता मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाकर खोजूं।
राम को इस प्रकार दुख से कातर और शोक संतप्त देख लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, भैया आप तो सदैव मृदु स्वभाव वाले और जितेंद्रिय रहे हैं, शोक के वशीभूत होकर आप अपने स्वभाव का परित्याग मत कीजिए। हे रघुकुल भूषण, कितने ही महान कर्म अनुष्ठान और तपस्या करके हमारे पिता महाराज दशरथ ने आपको प्राप्त किया है। आपसे वियोग हो जाने के कारण ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आप धैर्य धारण करें। संसार में प्रत्येक प्राणी पर विपत्तियां आती हैं, किंतु विपत्तियां हमेशा नहीं रहती, कुछ काल पश्चात उनका अंत हो जाता है। हमारे गुरु वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का एक ही दिन में गुरु विश्वामित्र ने वध कर दिया था। देवता तक भी प्रारब्ध की मार से नहीं बच पाते, फिर देहधारी प्राणी कैसे बच सकते हैं? आप तो स्वयं महान विद्वान हैं, मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूँ? आप परिस्थितियों पर विचार करके धैर्य धारण करें। इस जनस्थान में खोजने से कहीं न कहीं हमें जानकी जी अवश्य मिल जाएंगी। लक्ष्मण के सार गर्भित उत्तम वचनों को सुनकर राम ने प्रयास पूर्वक धैर्य धारण किया और लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करने के लिए खरदूषण के जनस्थान की ओर चले। मार्ग में उन्होंने विशाल पर्वताकार शरीर वाले जटायु को देखा। उसे देखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी जटायु ने सीता को खा डाला है, मैं अभी इसे यमलोक भेजता हूँ। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोधित राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जटायु को मारने के लिए आगे बढ़े। राम को अपनी ओर आते देख जटायु बोला, आयुष्मान, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। सीता को लंका का राजा हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और उसी ने मेरे पंखों को काट कर मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया है। सीता की पुकार सुनकर मैंने उसकी सहायता के लिए रावण से युद्ध भी किया। ये मेरे द्वारा तोड़े हुए रावण के धनुष और उसके बाण हैं। इधर उसके विमान का टूटा हुआ भाग भी पड़ा है, यह रावण का सारथी भी मरा हुआ पड़ा है, परंतु उस महाबली राक्षस ने मुझे मार मार कर मेरी यह दशा कर दी। वह रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। इतना कहकर जटायु का गला रूंध गया, आंखें पथरा गईं और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जटायु के प्राणहीन रक्त रंजित शरीर को देखकर राम अत्यंत दुखी हुए और लक्ष्मण से बोले, भैया मैं कितना अभागा हूँ, राज्य छिन गया, घर से निर्वासित हुआ, पिता का स्वर्गवास हो गया, सीता का अपहरण हुआ और आज पिता के मित्र जटायु का भी मेरे कारण निधन हुआ। मेरे ही कारण इन्होंने अपने शरीर की बलि चढ़ा दी, इनकी मृत्यु का मुझे बड़ा दुख है। तुम जाकर लकड़ियां एकत्रित करो, ये मेरे पिता तुल्य थे, इसलिए मैं अपने हाथों से इनका दाह संस्कार करूंगा। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने लकड़ियां एकत्रित की, दोनों ने मिलकर चिता का निर्माण किया। राम ने पत्थरों को रगड़कर अग्नि निकाली, फिर द्विज जटायु के शरीर को चिता पर रख कर बोले, हे पूज्य गृद्धराज, जिस लोक में यज्ञ एवं अग्निहोत्र करने वाले, सम्रांगण में लड़कर प्राण देने वाले और धर्मात्मा व्यक्ति जाते हैं, उसी लोक को आप प्रस्थान करें, आपकी कीर्ति इस संसार में सदैव बनी रहेगी। यह कहकर उन्होंने चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। थोड़ी ही देर में जटायु का नश्वर शरीर पंचभूतों में मिल गया। इसके पश्चात दोनों भाइयों ने गोदावरी के तट पर जाकर दिवंगत जटायु को जलांजलि दी। इस प्रकार पक्षीराज जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चले। कुछ दूर आगे चलकर वे एक ऐसे वन में पहुंचे जो बहुत से वृक्षों, झाड़ियों एवं लता बेलों द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था तथा अत्यंत दुर्गम, गहन और अगम्य था। उसे पार कर वे क्रौंचारण्य नामक वन, जो कि जनस्थान से 3 कोस दूरी पर स्थित था, के भीतर पहुंचे। वह वन भी सघन अनेक मेघों के समूह के सदृश श्याम प्रतीत होता था, किंतु विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने का कारण हर्षोत्फुल्ल सा भी जान पड़ता था। उसके भीतर अनेक पशु पक्षी निवास करते थे। वहां पर उन्होंने सीता को खोजना आरंभ किया, किंतु बहुत खोजने पर भी जब कोई परिणाम नहीं निकला तो वे और आगे चले। इस वन को पार करके मतंग मुनि के आश्रम ले पास जा पहुंचे। वह वन भी भयानक और हिंसक पशुओं से परिपूर्ण था। घूमते घूमते वे ऐसी पर्वत कंधरा पर पहुंचे तो पाताल की भांति गहरी तथा सदा अंधकार से आवर्त रहती थी। उस विशाल कंधरा के मुख पर एक अत्यंत मलिन, लंबे पेट वाली, बड़े बड़े दांतों और बिखरे केश वाली मलिन मुखी विकराल राक्षसी बैठी हुई हड्डी चबा रही थी।
राम लक्ष्मण को देखकर वह अट्टहास करती हुई दौड़ी और लक्ष्मण से लिपटकर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। मेरा नाम अयोमुखी है, तुम मुझे पति रूप में मिले हो और मैं अब तुम्हारी भार्या हूँ। उसकी इस कुचेष्टा से क्रुद्ध होकर लक्ष्मण ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और उसके नाक कान तथा स्तन काट डाले। उसके सारे शरीर पर रक्त की धाराएं बहने लगीं और वह चीत्कार करती हुई वहां से भाग गई। अयोमुखी के भाग जाने के पश्चात दोनों भाई थोड़ी दूर गए थे कि वन में भयंकर आंधी चलने लगी। उन्हें एक भयंकर स्वर सुनाई दिया जिसकी गर्जना से संपूर्ण वन प्रांत गूंज उठा। सावधान होकर दोनों भाइयों ने तलवार निकालकर उस दिशा में पग बढ़ाए जिधर से वह भयंकर गर्जना आ रही थी। कुछ ही दूर जाने पर उन्होंने गज के आकार वाले बिना गर्दन के कबंध धड़मात्र राक्षस को देखा। उसकी न तो गर्दन थी और न ही मस्तक, उसके पेट में ही उसका मुंह बना हुआ था और छाती में ललाट था जिसमें अंगारे के समान दहकती हुई एक ही आंख थी। वह दोनों मुट्ठियों में वन के जंतुओं को पकड़े इनका मार्ग रोके खड़ा था। राम लक्ष्मण को देखते ही उसने लपक कर दोनों को एक साथ ही बलपूर्वक तथा पीड़ा देते हुए पकड़ लिया और बोला, बड़े भाग्य से आज ऐसा सुंदर भोजन मिला है, तुम दोनों को खाकर मैं अपनी क्षुधा शांत करूंगा। इस आकस्मिक आक्रमण से लक्ष्मण किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, परंतु रामचंद्र ने बड़ी फुर्ती से उस राक्षस की दाहिनी भुजा काट डाली। लक्ष्मण ने भी क्रोधित होकर उसकी बाईं भुजा को काट दिया। वह चीत्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरकर उसने पूछा, वीरो आप दोनों कौन हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर लक्ष्मण ने उसे दोनों भाइयों का परिचय दिया। उनका परिचय सुनकर कबंध ने राम से कहा, महाबाहु राम, पूर्व काल में मैं अत्यंत पराक्रमी था, किंतु पराक्रमी होते हुए भी राक्षस रूप धारण कर ऋषियों को डराया करता था। एक बार क्रोधित होकर स्थूल शिरा नामक महर्षि ने मुझे राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। शाप मुक्ति के लिए मेरे द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने बताया कि जब राम तुम्हारी भुजाओं को काट देगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने राक्षस योनि से मुझे मुक्ति दिलाकर मेरा बड़ा उपकार किया है। अब आप मुझ पर इतनी कृपा और करना कि अपने हाथों से मेरा दाह संस्कार कर देना। कबंध की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हे राक्षस राज, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं तुमसे कुछ सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ। आशा है अवश्य दोगे। दंडक वन से मेरी अनुपस्थिति में लंकापति रावण मेरी पत्नी का अपहरण करके ले गया है। मैं उसके बल पराक्रम स्थान आदि के विषय में तुमसे पूरी जानकारी चाहता हूँ, यदि जानते हो तो बताओ। राम का प्रश्न सुनकर कबंध बोला, हे रघुनंदन, रावण बड़ा बलवान और शक्तिशाली नरेश है। उससे देव दानव सभी भयभीत रहते हैं। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको नीति का सहारा लेना होगा। आप यहाँ से पंपा सरोवर चले जाइए। वहाँ ऋष्यमूक पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव अपने चार वीर वानरों के साथ निवास करता है। वह अत्यंत वीर, पराक्रमी, तेजस्वी, बुद्धिमान, धीर और नीति निपुण है। उसके पास एक विशाल पराक्रमी सेना भी है जिसकी सहायता से आप रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके ज्येष्ठ भ्राता बाली ने उसके राज्य और उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। यदि आप उसे मित्र बना सकें तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। वह राक्षसों के सब स्थानों को जानता और उनकी मायावी चालों को भी समझता है। उसे भी इस समय एक सच्चे पराक्रमी मित्र की आवश्यकता है। आपका मित्र बन जाने पर वह अपने वानरों को भेजकर सीता की खोज करा देगा, साथ ही सीता को वापस दिलाने में भी आपकी सहायता करेगा। इतना कहकर कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए। रामचंद्र उसका अंतिम संस्कार करके लक्ष्मण सहित पंपासर की ओर चले। पंपासर के निकट उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा जिसमें दोनों भाइयों ने स्नान किया। तदंतर दोनों भाई कबंध के बताए अनुसार सुग्रीव से मिलने के उद्देश्य से पंपा नामक पुष्करिणी के पश्चिम तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां शबरी के रमणीय आश्रम को देखा। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उसने राम लक्ष्मण का अपने आश्रम में पाद्य अर्ध्य आदि से यथोचित सत्कार और पूजन किया। रामचंद्र ने शबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ती? कोई राक्षस आदि तुम्हें कष्ट तो नहीं देते? राम के स्नेह युक्त शब्द सुनकर वृद्धा शबरी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभो, मेरे इस आश्रम में आपके पधारने से मेरी संपूर्ण तपस्या सफल हो गई। मेरे गुरुदेव तो उसी दिन बैकुंठ वासी हो गए थे जिस दिन आप चित्रकूट में पधारे थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने ही आपके विषय में मुझे बताया था।
उन्होंने कहा था कि मेरे आश्रम में आपके अतिथि रूप में आने के पश्चात आपके दर्शन करके मैं श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जा पाऊंगी। हे पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपातट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के मीठे और स्वादिष्ट फलों का संचय किया है, कृपया इन्हें ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें। राम के द्वारा शबरी से उनके गुरुजनों के विषय में पूछने पर शबरी ने बताया, हे राम, यह सामने जो सघन वन दिखाई देता है वह मतंग वन है। मेरे गुरुजनों ने एक बार यहाँ विशाल यज्ञ किया था। यद्यपि इस यज्ञ को हुए अनेक वर्ष हो गए हैं, तथापि अभी तक उस यज्ञ के सुगंधित धुएं से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा है। यज्ञ के पात्र अभी भी यथास्थान रखे हुए हैं। हे प्रभो, मैंने अपने जीवन की सभी धार्मिक मनोकामनाएं पूरी कर ली हैं। केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा शेष थी, वह आज पूरी हो गई। अतः आप मुझे अनुमति दें कि मैं इस नश्वर शरीर का परित्याग करके उसी लोक में चली जाऊं जिस लोक में मेरे गुरुजन गए हैं। शबरी की अदम्य आध्यात्मिक शक्ति को देखकर राम ने कहा, हे परम तपस्विनी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूरी करें। रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर शबरी ने समाधि लगाई और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। इसके पश्चात शबरी का अंतिम संस्कार करके दोनों भाई पंपा सरोवर पहुंचे। निकट ही पंपा नदी बह रही थी, जिसके तट पर नाना प्रकार के वृक्ष पुष्पों एवं पल्लवों से शोभायमान हो रहे थे। उस स्थान की शोभा को देखकर राम अपना सारा शोक भूल गए। वे सुग्रीव से मिलने की इच्छा से पंपा के किनारे किनारे पुरी की ओर चलने लगे। रामायण की पावन कथा का ये भाग यहीं तक। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कथा के अगले भाग के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।